قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جرامي قدر اور نهاد محترم बुजुर्गों दोस्तों आँख की रोशनी मेरे अजीमी बच्चों और बच्चियों अल्लाह ताला का शुक्र इनाम है कि मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक मरहमत फरमाई कि मैं अपने बुजुर्गों अपने दोस्तों अपने भाइयों अपने बेटों और अपनी बेटियों के सामने तवील अरसा गैर हाजिर होने के बाद फिर हाजिर हो रहा हूं। एक साल की तबील गैर हाजिरी की वजह मेरी अलादत मेरी बीमारी और मेरी ज़ईफ़ुल उम्री थी। अल्लाह ताला के जितने भी काम कोई काम मसले से खाली नहीं है। मैं जिंदगी में 80 साल जिंदगी में पहली दफा अस्पताल में दाखिल हुआ, वहां 4 दिन तकरीबन दुनिया और माफिया से बेखबर एक अनदेखी दुनिया का मकीन रहा, जिसको डॉक्टर इस्लाम में कोमा कहा जाता है। लेकिन आप सब बच्चों बेटियों और दोस्तों बुजुर्गों की दुआओं से दुआओं की ताकत से एक जो मौत का आलम था तो आपकी दुआओं ने मौत को शिकस्त दी और फिर मैं दोबारा दुनिया में आपके सामने हाजिर हो गया हूं। मौत क्या चीज है? हमारे आका हमारे मौला सैयदना हुजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद आली मकाम है
मूतू कपड़ा अंत मूतू, मर जाओ मरने से पहले। मर जाओ मरने से पहले का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप खुदकुशी कर लें। मर जाओ मरने से पहले का मतलब ये है कि आप उस दुनिया से वाकिफ हो जाएं जिस दुनिया में आपको यहां से जाना है। मर जाओ मरने से पहले, यानी मरने से पहले मरने के बाद की दुनिया से वाकिफियत हासिल कर लो। मूत कबला अंत मूत, मर जाओ मरने से पहले। मर जाओ मरने से पहले कि अगर तर्जुमा इतना ही किया जाए कि मर जाओ मरने से पहले, तो अल्लाह ताला के इरशाद आली मकाम की रोशनी में सीधा हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीम की रहनुमाई में मरना तो खुदकशी है। अगर कोई आदमी मर जाए वो तो खुदकशी के मुरादिफ है, और शरीयत मुताहिरा की रूह से खुदकशी हराम है। तो सवाल ये है कि मूतू कबला अंत मूतू, मर जाओ मरने से पहले का अगर ये मतलब होता कि आदमी इस तरह मर जाए जिस तरह आदमी के ऊपर मौत वारिद होती है, ये तो सरियन शरीयत के खिलाफ बात होती। फिर ये कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना। तो मूतू कबला अंत मूतू का मतलब ये है कि मरने से पहले, मरने के बाद जहां तुम्हें रहना है उस जिंदगी से मुतारिफ हो जाओ। मरने के बाद की जिंदगी को अच्छी तरह समझ लो, देख लो, वहां के शब रोज से वाकफियत हासिल कर लो, वहां की बुदबाश क्या है उसका इरफान हासिल कर लो। मुंह तो कबल अंत मर जाओ मरने से पहले। रूहानियत एक स्कूल है, फहम और फिक्र का एक स्कूल है। तो मर जाओ मरने से पहले का मतलब रूहानी नुकता नजर से ये हुआ कि फिर अमल मरने के बाद जहां आपको जाना है, मरने से पहले उस जिंदगी से वाकफियत हासिल कर लो, ताकि तुम्हें उस जिंदगी के बारे में मालूमात फराहम हो जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर तुम मौत की बात की जिंदगी से वकूफ हासिल कर लोगे तो तुम्हारे ऊपर से मौत का खौफ निकल जाएगा। अनदेखी चीजों का खौफ ज्यादा होता है। जिस चीज को आपने देख लिया जी, आप किसी शहर में जाए, यूरोप में किसी शहर में जाए, लंदन में जाए, आप वहां कभी ना गए हो, एक घबराहट होती है कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे वहां के शुभ रोज होंगे, किस किस्म का मौसम होगा, किस किस्म का माहौल होगा। और जब आप लंदन चले जाते हैं, वहां कुछ दिन रह लेते हैं, तो ये घबराहट और खौफ और अनजाना वसवसा खत्म हो जाता है। ये उसूल है। आप किसी नए शहर में जाएं, जरूर आपको थोड़ी बहुत सी घबराहट होगी, अपने दोस्तों से पूछेंगे अरे भाई कहाँ रहेंगे, होटल कहाँ मिलेगा, कोई दोस्त होगा तो उसे खत लिखेंगे, टेलीफोन करेंगे। और जब एक दफा या दो दफा शहर में जाकर आप उस शहर से बाखबर हो जाते हैं तो आप इत्तला तो दे सकते हैं, लेकिन ये जरूरी भी नहीं होता आप उस शहर में जाएं और जाके अपने दोस्त के यहां चले जाएं। आपको घबराहट नहीं होती, खौफ नहीं होता।
वो कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द की हैसियत से, उनके गुलाम की हैसियत से, उनके बच्चे की हैसियत से रूहानी दुनिया की सैर और रूहानी दुनिया से वाकफियत जरूरी थी और आप सबके लिए भी है। तो कुदरत ने देखिए मुंह तो कबलान तो ये नहीं है कि मरने से पहले भाई आपको मर जाना चाहिए, मरने से पहले आप मरने के बाद की जिंदगी से वाकफियत का कोई तदारुक करो, मुंह तो मर जाओ फिर अमल मर जाओ, इसलिए कि मरे बगैर मरने के बाद की जिंदगी से वकूफ हासिल नहीं होता। हुजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह के तसर्रुफ से, फैज से, उनकी दुआओं से मेरे ऊपर भी एक आरजी मौत तारी हुई। उस आरजी मौत में जहां मेरे दोस्तों को तकलीफ हुई, लोगों ने मेरे लिए बहुत दुआएं की, लोगों ने मेरे लिए बहुत सारे सबके किए, इंफरादी दुआएं भी हुई, इज्तमाही दुआएं भी हुई, और मैं एक दूसरी दुनिया को देखकर फिर दोबारा इस दुनिया में आ गया। लेकिन मैं अब ये समझता हूं कि किसी रूहानी बंदे के लिए ये जरूरी है कि वो इस दुनिया में मरने से पहले मर जाए। अगर मरने से पहले वो नहीं मर जाएगा तो मरने के बाद की दुनिया से वाकफियत हासिल नहीं होगी। हमारे ऊपर जो ये मौत का खौफ है, हम जो मौत से डरते हैं वो इसलिए डरते हैं कि मौत की बात की जो दुनिया है वो हमने नहीं देखी, सुनी सुनाई बातें, और उसमें भी एक दहशतनाक पहलू है, सांप होंगे, बिच्छू होंगे, कनकजूरे होंगे, एक सांप हाथ मारेगा इतने हजारों गज दस्त चल जाएगा, अंगारे होंगे, ये होंगे वो होंगे, तो एक खौफ होता है मौत का। फिर ये भी खौफ होता है कि भाई वहां जाने के बाद पता नहीं हमें घर मिलेगा नहीं मिलेगा, रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, हमारा हशर क्या होगा, तकलीफ होगी रात। लेकिन अगर आदमी मरने से पहले मरने के बाद की जिंदगी का वकूफ हासिल कर ले तो चूंकि वो मरने के बाद की जिंदगी से वाकिफ हो जाता है, इसलिए उसके जहन से मौत का खौफ निकल जाता है। एक उसूल है, एक आदमी डरता है, किश्ती में आप बैठे हैं, आपका कोई दोस्त है, वो पानी से डरता है, रोता है, चिल्लाता है, किश्ती में बैठना नहीं चाहता, आप उसे उठा के पानी में फेंक दें और फिर उसको निकाल लें, क्या होगा, क्या होगा भाई, भी? उसका खौफ निकल जाएगा। तो जब कोई बंदा मर जाता है और मरने की बात की जिंदगी का वकूफ से हासिल हो जाता है तो उसके ऊपर से मौत का खौफ निकल जाता है, मुंह तो खबर मर जाओ। तो एक सूरत तो ये हो सकती है कि हुजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात की रोशनी में हर उस बंदे को जो रूहानी सीखना चाहता है उसे मरना जरूर है, और जब तक वो मरेगा नहीं उसके अंदर से मौत का खौफ नहीं निकलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आदमी मर जाएगा तो मरने की एक जिंदगी है, कुरान बताता है, हदीस बताती है, रात दिन का हमारा मुशाहिदा है, अब्बा मर गए, अम्मा मर गई, दादी मर गई, नानी मर गई, अजीज व अकरबा मर जाते हैं, दोस्त अहबाब मर जाते हैं, ये शायद लोग मरते हैं, जिस तरह पैदा हो रहे हैं इस तरह लोग मर भी रहे हैं। तो लोग मर भी रहे का मतलब भी यही है कि जिस तरह
पैदा होना उस हमारे वजूद की वजूद के होने का एक यकीनी पहलू है, इसलिए मरना भी इस वजूद के लिए जरूरी है। बहरहाल जो भी सूरत हाल हो, मैं तो इस यही समझता हूँ कि एक प्रोग्राम हुजूर कलंदर बाबा और या रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया कि उनका एक नालायक शागिर्द, कम हिम्मत शागिर्द इस दुनिया में रहते हुए जब तक मौत के बाद की जिंदगी से वाकिफ नहीं होगा वो वाणी तरक्की नहीं कर सकता। इसका कोता यह है कि मैं मर गया, अब मैंने वहां जो कुछ देखा उसकी कुछ हुए दादा मुख्तसर से मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं ताकि मेरे बच्चों में से मौत का खौफ निकल जाए और वो हम वक्त मरने के लिए तैयार रहे। मौत के बाद की जिंदगी इसको आराम भी कहते हैं, कब्र की जिंदगी भी कहते हैं। पहली बात तो यह कि ये जिस्म जिसकी हम नशोनुमा करते हैं, जिससे हम खुशबुएं मलते हैं, जिसको हम बेहतरीन साबुन से धोते हैं और इस जिस्म के लिए बेमानियां मक्कारियां दगाबाजियां इंतहा ये कि लोगों के हुकूक कसम करते हैं, उस जिस्म की कैफियत बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई भी चीज मर जाए और उसका जिस्म गल सड़ जाता है। ये कब्र के अंदर जो बंद करते हैं इसकी वजह सिर्फ ये है कि ये इंसान के अंदर जो ताफुन निकलता है मरने के बाद दुनिया उससे महफूज रहे, पर्दे में हो जो कुछ हो। तो पहली बात तो ये है कि मरने के बाद की दुनिया में खाना पीना लिबास रिहायश फ्री है, घर वहां किसी की मिल्कियत नहीं है, अल्लाह की तरफ से घर है, खाना वहां बंदों को मिलता है, कपड़ा बंदों को मिलता है, हर वो चीज जिसको आप जरूरत आते जिंदगी किसी भी तरह कह सकते हैं वहां वो फ्री मिलती है। दूसरे वहां कोई पाबंदी आपके ऊपर नहीं है, शरीयत का जो मामला है शरीयत मुतायरा का वो इस दुनिया तक है। इस दुनिया के बाद आलम आराफ में हर आदमी आजाद है, हर आदमी का जमीर जो कहे वो करो और जमीर हमेशा अच्छी रहनुमाई करता है, यानी आदमी मरने के बाद अपने जमीर से वाकिफ हो जाता है। वहां कोई सवारी नहीं है, जो मैंने देखा वो आपको बता रहा हूं, वहां कोई सवारी नहीं है। आदमी की दिमाग जो है, आदमी का दिमाग, दिमाग में एक मीटर लगा हुआ है और वो मीटर जो है वो इरादे के साथ चलता है। मसलन अब आपको लाहौर जाना है, आपके जहन में ये बात है मैंने लाहौर एक घंटे में पहुंचना है, जैसे ही आप लाहौर के लिए सफर करेंगे दिमाग में एक ऐसी सेटिंग हो जाएगी कि आपकी जो रफ्तार है चलने की रफ्तार तो वही रहेगी, आप भागते दौड़ते नहीं है, लेकिन इस इरादे के तहत कि आपने एक घंटे में लाहौर का सफर तय करना है आप चलेंगे। जैसे आपने देखा ना ये एयरपोर्ट पे सामान के लिए वो बेल्ट होती है उसमें सामान घूमता है, इसी तरह जमीन घूमने लगती है। आपके इरादे में अगर एक घंटे का सफर है तो जमीन एक इतनी तेज घूमेगी कि आप एक घंटे में लाहौर पहुंचेंगे, यानी वहां जमा तो है मकान भी है लेकिन जमा और मकान की वो हैसियत नहीं है जो इस दुनिया में। कशिश से सख्त भी वहां है लेकिन कशिश सख्त दुनिया वाला नहीं है। अब आप और फरमाए, खाना फ्री है,
शरीयत मुताहरा वहां उससे आजादी है, शरीयत मुताहरा सिर्फ इस दुनिया तक है। खाना फ्री, गैस फ्री, घर फ्री, लिबास फ्री, आप खाना चाहिए 20 दफे खा ले, चाहे आप 1 दफे भी ना खाए, आपकी मर्जी है। तो एक तरफ तो ये हुआ कि मेरे ये दोस्त अहबाब हैं उन्हें बड़ी तकलीफ हुई कि भाई हमारे अब्बा जी चले गए, लेकिन वाकई ये है कि अब्बा जी चले नहीं गए, अब्बा जी ने एक नई दुनिया अल्लाह ताला ने अब्बा जी को दिखाई। हो सकता है वो इसलिए दिखाई हो कि मैं अपने बच्चों को बताऊं कि भाई मौत से खूबसूरत जगह, खूबसूरत जिंदगी कोई नहीं है। ये जो जिंदगी हमारी है इसमें सिवाय परेशानी के, बदहाली के, बुराइयों के कुछ नहीं है। अच्छा, अब आपके जहन में सवाल आया होगा कि भाई जब मरना इतनी अच्छी चीज है तो ये गुनाह सवाब क्या चीज है, और ये खबर में सांप आएंगे, बिच्छू आएंगे, खजूर आएंगे, ये क्या चीज है। सूरत हाल क्या है कि इंसान जो कुछ करता है उसमें उसके साथ जमीर लगा हुआ है, जमीर उसकी मलामत करता है, ये जमीर मुतमईन रहता है। तो जब कोई आदमी यहां से मर जाता है तो उसकी जिंदगी का एक रिकॉर्ड होता है, मतलब जिस रोज वो पैदा होगा उसी दिन से उसके रिकॉर्ड बनना शुरू हो जाएगा। हर घड़ी, हर लम्हा, हर आज, हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटा, हर दिन, हर महीना, हर साल उसका पूरा रिकॉर्ड होगा। कैसे रिकॉर्ड हो रहा है जी, कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, वो तो हमें तो सुना ही होगा कि दो फरिश्ते होते, लेकिन इस आलम में ये जो कैमरे लगे होते हैं उसकी मिसाल दे के पास में आया। आप अपने घर में कैमरे लगा दीजिए, दो दिन भर की सारी हरकतें आपकी रिकॉर्ड हो जाएंगी, और शाम को आप देख लीजिए अब कब आए, आप कब गए, कब खाना खाया, कब सोए, कब लड़े, कब प्यार किया बच्चों को। तो बात मुख्तसर मैं यह अर्ज करना चाह रहा हूं कि मरने से पहले मर जाओ, मुंह तो कबला मर जाओ, मरने से पहले मर जाओ। मरने से पहले का मतलब यह हरगिज नहीं है कि खुदकशी कर लो, जहर खा लो, मर जाओ, वो आराम है। मर जाओ मरने से पहले का मतलब यह है कि मरने से पहले उस जिंदगी से बाखबर हो जाओ जहां आपको इस दुनिया से जाना है। अब आप तुरी गौर फरमा लें, अगर मुझे लाहौर जाना है, लाहौर में कभी नहीं गया, घबराहट होगी, परेशानी होगी, अगर मैंने लाहौर देख लिया है वहां रह के आ गया हूं तो मुझे कभी लाहौर से घबराहट नहीं होगी। तो मेरे ये जो एक बीमारी है जो हुई, और आप सब लोगों की दुआओं से, और बेचारे बहुत सारे बकरों की जान की कुर्बानी से बीमार मैं हुआ, जान बकरों की गई। तो वो मैं वापस आ गया, लेकिन इस वापसी में जो मुझे सबक मिला है, जो मेरे पीर व मुर्शिद की मेहरबानी से मेरा एक सफर, अल्लाह ताला ने मुझे एक सफर कराया है, वो यही है कि मरने के बाद की जिंदगी इतनी खुशकुन, खुशआयन, पुरसुकून और इत्मीनान कर्म की जिंदगी है कि इस जिंदगी में उसका अश्र अशीर भी नहीं मिलता। वो जो है किसाब अजाब सवाब वो अपनी जगह है,
लेकिन अजाब सवाब तो इससे क्या ताल्लुक है? आपको फ्री घर मिले, फ्री रोटी मिले, फ्री कपड़े मिले, फ्री सवारी मिल जाए, अजाब सवाब का ताल्लुक है। ज़हनी ज़हनी उलझन, ज़हनी परेशानी, खौफ, दहशत, भाई जिसम में तो कोई तब्दीली नहीं आती। जब आप गुनाह करते हैं क्या आपके जिसम में कोई तब्दीली आ जाती है? किसी का हाथ सूख जाता है या पैर पे फारिश गिर जाता है, क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। लेकिन आपका जमीर आपको परेशान करता है। तो जिस्मानी जिंदगी की जितने भी राहत और आराम है वो सब सब फ्री, वो गुनहगार हो, निकोकार हो, स्वाबकार हो, सब के सब आराम है। अब आप सवाल ही बहुत मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं, अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि भाई फिर ये गुनाह स्वाब क्या चीज है? गुना साहब है, मैं यामल मिसाल जरूरत खैर ये रहा हूं, मैं यामल मिसाल जरूरत शर रही रहा हूं। जर्रे बराबर अगर अच्छाई करोगे वो भी रिकॉर्ड है, जर्रे बराबर अगर बुराई करोगे वो भी रिकॉर्ड है। ये पछतावा अजाब है और इत्मीनान खल सुकून खल स्वाब है। क्या समझे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे महबूब आप क्या समझे आला जिंदगी क्या है? और ए हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या समझे सिज्जीन असफल परेशानी बदहाली की क्या जिंदगी? खुद ही अल्लाह ताला फरमाते किताब मरकूम, एक लिखी हुई किताब है, आज की इस्तेमाल में उसे उसको क्या कह सकते हैं भाई, कैमरा है। तो ये जो जिंदगी में अजाब और सवाब है ये तो आप फिल्म बन गए और अल्लाह ताला ने ये बता दिया इस काम का ये अजर है और इस काम की ये सजा है। तो जब जहन सजा की तरफ जाता है आदमी परेशान हो जाता है और जब जहन जजा की तरफ जाता है आदमी खुश हो जाता है। तो मुझे तो भाई अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और मैं कहता हूँ जिस तरह अल्लाह ताला ने मुझे दिखाई है ये जिंदगी मरने के बाद की, मैं कहता हूँ मेरे सारे बच्चों को ना दिखाए। मेरी दुआ ये नहीं कि आप सब मर जाए, मैं एक बाप की हैसियत से कह रहा हूं, दुआ कर सकता हूँ। मैंने तो आपके लिए दुआएं ही दुआएं हैं, सेहत की दुआ, रिस्क में फरावानी की दुआ, औलाद की दुआ, दुआई दुआ। लेकिन ये मूतू कबला तमूतू, मैं यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको मरने के बाद की जिंदगी से इस जिंदगी में रोशनास करा दे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। मैंने अब बहुत सी तसर्रुफ़ दादा आपको बीमार होने की, अस्पताल जाने की, मरने की, मरने के बाद जीने की बयान कर दी है। इंसान मुस्तहरुम मताउन इलाहीन, जब तक अल्लाह ताला चाहते हैं बंदा मर नहीं सकता और जाहिर है जब तक अल्लाह ना चाहे बंदा पैदा भी नहीं हो सकता। जब बंदा पैदा भी नहीं हो सकता, मर भी नहीं सकता, तो जाहिर है जवान भी नहीं हो सकता, बूढ़ा भी नहीं हो सकता अल्लाह के हुक्म के बगैर। अल्लाह ताला आपसे राजी हो, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी सहूलतें फराहम फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपके बच्चे सआदतमंद और काबिल और अल्लाह ताला के पसंदीदा बच्चे बनकर जवान जवान हो। आपको अल्लाह ताला खुश रखे। मुख्तसर ये है कि आपने मेरे लिए बहुत दुआएं की, आपने मेरे लिए बहुत सारे सदक़े भी किए, आपने अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज मारूज पेश की कि मैं
दोबारा दुनिया में आ जाऊं, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये ऐसी ही बात है कि मरने के बाद की दुनिया के जब आदमी को मुशाहिदा होता है तो इस दुनिया में उसका दिल नहीं लगता। अल्लाह ताला हम सबको मरने के बाद की जिंदगी से इस जिंदगी में रूशनास्ती अता फरमाए और सैयदना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म की तामील हो, मूतु खबला तमूतु, मर जाओ मरने से पहले। यानी हर इंसान के ऊपर ये फर्ज है, खुसूसन रूहानी इंसान के ऊपर ये फर्ज है कि मरने से पहले मरने के बाद की जिंदगी से रूशनासी हासिल कर ले। मरना डरने वाली बात नहीं है, ऐसा ही है जैसे आप कराची से लाहौर चले गए, लाहौर से कराची आ गए, इसी सूरत से वहां भी आना जाना लगा हुआ है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। गैब से हम लोग आते हैं यहाँ जाहिर में, फिर यहाँ से गैब में चले जाते हैं, फिर गैब से निकल के हशर वशर में चले जाते हैं, फिर हशर वशर से गैब होके जन्नत जन्नत में चले जाते हैं। ये आने जाने का सारा खेल है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको रूहानी रमूज और नुकात को समझने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो मैंने मरने का तस्करा कर दिया, इससे ऐसा ना हो कि आप डर जाएं। नहीं, डरने की बात नहीं है। अभी माशाल्लाह अल्लाह ने आपकी बहुत उम्र की है, बहुत जिएंगे, लेकिन मरने के बाद की जिंदगी से वाकफियत अगर हासिल हो जाएगी तो आपके देखिए सबसे बड़ा खौफ मौत का होता है, तो मौत के खौफ से अल्लाह ताला आपको निजात देंगे। अल्लाह के जो दोस्त होते हैं उन्हें न गम होता है और न खौफ होता है। अब मुराकबा करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11 दफे दुरूद शरीफ पढ़ लें और 11 दफे या हय्यो या कय्यूम पढ़ के आंखें बंद कर लें। और जैसे कि मैंने सुबह अर्ज किया था, वो नुक्ते वाला मुराकबा ये तसव्वुर करें कि मेरे दिल में एक सिया नुक्ता है और वो सिया नुक्ता एंटी क्लॉक वाइज उल्टे दायरों की तरह घूम रहा है। अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई तो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो इस सिया नुक्ता एंटी क्लॉक वाइज इसका घूमना और इसके पीछे क्या जरूरत है, इसकी वजह से इंसान कायनाती रूहों से वाकिफ होता है, अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। आप साहिबान दोबारा तशरीफ लाए तो इंशाल्लाह। और ये मैं आपको बात बता दूं, ये नुक्ते वाला जो मैंने आसवा बताया था, आसवा जो बताया था, ये हुजूर खरंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह का बराए रास्त हुक्म है, अब अपने बच्चों को ये सिया नुक्ते वाला सबक जो है वो बता दो। अब आपका ये काम है कि जिस तरह आपने पहले लापरवाही की है, मुराकबे को कोई अहमियत नहीं दी, दुनियावी मामलात को ही हमेशा आपने अहमियत दी, ठीक है दुनियावी मामलात को भी कम अज कम इतनी अहमियत देते हैं, इतनी रूहानियत को तो अहमियत आपको देनी चाहिए ना। इसमें सूरत यह है कि 24 घंटे में आप 23 घंटे दुनिया को अहमियत देते हैं, एक घंटा मुश्किल से रूहानियत को अहमियत देते हैं और उसमें भी नागा होती रहती है, तो ये इससे नुकसान है। खसर दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए। ये रिस्क का जो मामला है ये अल्लाह ताला का वादा है, इन्नल्लाहा यरज़ुकु मन यशा, इन्नल्लाहा यरज़ुकु मन यशा बगैर हिसाब। अल्लाह सबको हिसाब के बगैर रिस्क अता फरमाता है। ये नौकरी करना इसलिए जरूरी है
ताकि आप अपने जिस्मानी वजीफा पूरा कर सकें। नौकरी करने से रोजी नहीं मिलती, दुकान करना इसीलिए जरूरी है कि आप अपने जिस्मानी वजीफा पूरा कर सकें। अगर नौकरी से रोजी मिलती और अगर कारोबार से ही रोजी मिलती तो सारे पुरिंदे भूखे मर जाते, सारे चौपाए भूखे मर जाते, सारे दरख सूख जाते हैं। दरख नौकरी नहीं करते, चिड़िया नौकरी नहीं करती, गाय भैंसे दुकाने नहीं खोलती, और वो इंसानों से बहुत ज्यादा है। सबको अल्लाह दे रहा है, एक अल्लाह यरज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब। जब रिस्क का मामला आता है तो अल्लाह ताला बगैर हिसाब का रिस्क अता फरमाता है। मैं आपको ये पैसे बड़े होने के नसीहत करना चाहता हूँ, आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप दुनिया की बकबक में जितने ज्यादा गर्क उससे निकले, कम अज कम आधी दुनिया रखे, आधा अल्लाह रखे, उबल दो सूरन दो पूरा अल्लाह दिया होना चाहिए। देखिए जहां पर रिस्क का ताल्लुक है, माँ के पेट में आपको रिस्क मिला, पैदाइश के बाद 2.5 साल तक आपको रिस्क मिला, फिर जब तक आप सुनने बुलूक को पहुंचे उस वक्त तक आपको रिस्क मिला, कपड़ा भी मिला, खाने को भी मिला, बिस्तरा भी मिला, जेब खर्च भी मिला। ये जो हम नौकरियां करते हैं, जो ये कारोबार करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि इंसान मुंजमद ना हो जाए, इंसान बेकार ना हो जाए। लेकिन इसका ताल्लुक नौकरी से, दुकानों से, रिस्क का ताल्लुक इसी हद तक है कि इंसान मसरूफ रहे, बावला ना हो जाए, चोरी शिकारी ना करता फिर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अकल सलीम और हमें समझ बूझ अता फरमाए, ताकि हम इस दुनिया में रहते हुए उस दुनिया की भी तैयारी करें। आमीन या रब्बुल आलमीन।